हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होंडा एक्टिवा में एयर फिल्टर कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये जानने के लिए ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए। ये है इसका नया एयर फिल्टर। पुराने एयर फिल्टर को चेंज करने के लिए हमें इसकी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इसके पांचों बोल को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जल्दी से वो पांचों बोल को खोल देते हैं। तब उसके पांचों बोल को खोलने के बाद हमें इसकी बॉडी को ऊपर उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम उसकी बॉडी को ऊपर उठा लेते हैं और बाद में मैं आपको एयर फिल्टर का बॉक्स कहां पर आता है वो बताता हूँ। तो इसका एयर फिल्टर का बॉक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में आता है। तो यहाँ पर जो आप ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हैं उसके अंदर हमारा एयर फिल्टर होता है। तो इस बॉक्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर का जो कवर है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सारे स्क्रू है उसको हम जल्दी से खोल लेते हैं। सारे स्क्रू को खोल देने के बाद और ऊपर का कवर हटाने के बाद जो नीचे आपको दिख रहा है यही हमारा एयर फिल्टर है, जो कि पुराना एयर फिल्टर है। तो सबसे पहले हम उस एयर फिल्टर को बाहर निकाल देते हैं और मैं आपको उसकी कंडीशन बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा धूल और मिट्टी से बिगड़ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पुराना एयर फिल्टर पूरी तरह धूल और मिट्टी से बिगड़ चुका है। मैंने इसको दो तीन बार क्लीन किया था लेकिन कभी चेंज नहीं करवाया है। तो अगर आप इसको क्लीन कैसे करते हैं वो देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने कार का एयर फिल्टर कैसे क्लीन करते हैं वो बताया है। तो कार और स्कूटर दोनों को एयर फिल्टर क्लीन करने का तरीका एक ही होता है, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप नए और पुराने एयर फिल्टर में डिफरेंस देख सकते हैं कि पुराना कितना बिगड़ चुका है। तो इसलिए हमें नया एयर फिल्टर डालना ही अच्छा रहता है। तो अब हमने जिस तरह से पुराने एयर फिल्टर को निकाला था उसी तरह से हम इस नए एयर फिल्टर को वापस वहां पर इंस्टॉल कर देते हैं। तो अब हम इस नए एयर फिल्टर को लगा देते हैं और जो इसका स्क्रू निकला था वो वापस हम लगा देते हैं। अगर आप एयर फिल्टर को चेंज कर रहे हैं तो उसको वापस इंस्टॉल करते समय एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, वो ये है कि जो इसका आगे का भाग है वो पूरी तरीके से अपनी जगह पर इंस्टॉल हो चुका चाहिए। अगर वो पूरी तरीके से इंस्टॉल नहीं होगा तो वो हिलता रहेगा और वहां पर जगह हो जाएगी, तो उस जगह में से डायरेक्ट एयर हमारे इंजन तक पहुंच सकती है, जो कि हमारे इंजन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये एयर फिल्टर पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, तो अब वापस हम इसके जो ऊपर का कवर है वो लगा देते हैं। अब हम ये बात समझते हैं कि एयर फिल्टर का वर्किंग क्या होता है। एयर फिल्टर का वर्किंग ये होता है कि जो एटमोस्फेरिक एयर है वो उसको फिल्टर करके हमारे कार्बोरेटर में भेजता है, वहां पर एयर और पेट्रोल मिक्स होकर हमारे इंजन के सिलेंडर तक जाती है। अगर एयर फिल्टर नहीं होगा तो जो एटमोस्फेरिक एयर है धूल और मिट्टी वाली वो फिल्टर नहीं होगी, वो डायरेक्ट हमारे इंजन तक पहुंच जाएगी, जो कि हमारे इंजन के लिए लंबे समय के बाद वो इंजन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो एयर फिल्टर का रहना तो जरूरी है, लेकिन अगर एयर फिल्टर पुराना हो चुका है, गंदा हो चुका है और उसमें धूल और मिट्टी जम चुकी है तो क्या होता है। अगर एयर फिल्टर पुराना हो चुका है और उसमें धूल और मिट्टी जम चुकी है तो वो पूरी तरीके से एयर को बाईपास या फिल्टर नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से हमारे इंजन को कंबसन में जितनी क्वांटिटी की एयर चाहिए उतनी क्वांटिटी की एयर उसको नहीं मिलेगी और वहां पर एयर की कमी होगी। तो एयर की वहां पर कमी होने की वजह से इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी और कभी कभी इसकी वजह से माइलेज में भी फर्क आ जाता है। तो एयर फिल्टर को टाइम टू टाइम क्लीन करना तो जरूरी है, लेकिन वो ज्यादा पुराना हो चुका है, बिगड़ चुका है, तो उसको चेंज करना भी अच्छा रहता है। तो हमने एयर फिल्टर तो इंस्टॉल कर दिया और वापस जिस तरीके से सारे बोल को हमने निकाला था उसी तरीके से वापस सारे बोल को हमने लगा दिया। तो आपने इस वीडियो में देखा कि इस एयर फिल्टर को घर पे चेंज करना काफी आसान तरीका है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।